एल्विस यादव और राघव शर्मा ऑलमोस्ट गॉट बीटन। एल्विस यादव रिएक्ट किए जम्मू एंड कश्मीर वाले मैटर पर एंड वो क्या कहे आप देख सकते हैं। अच्छा और मेरी कमर पे नील के निशान और भाई मेरे हंटर भी टिके होंगे, मेरे गोली मारी होगी पैर में किसी ने। भाई क्या सीन होता है, मैं गया था जम्मू कटरा वैष्णो देवी वहाँ पे दर्शन करने, तो तुम्हें पता ही है। तो हम लोग खा रहे थे ढाबे में खाना, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखी कि एल्विस भाई आ गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एक न्यूज़ वाले बंदे आए मेरे पास जब मैं खाना खा रहा था, कहते भाई आपका ना इंटरव्यू लेना है, हमने लोकल न्यूज़ चैनल है। मैंने उनको बोला कि भाई मैं ना इंटरव्यू नहीं देना चाहता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं खड़े होकर इंटरव्यू दूंगा तो और भीड़ बढ़ती चली जाएगी, जिस हम पे उतनी सिक्योरिटी भी नहीं है कि हम भीड़ को टैकल कर पाए। तो यो कह रहा है भाई मुझे पता ना, हाँ धक्का मुक्की या फिर भीड़ ज़्यादा थी। मैंने कि होटल में कर लेंगे, होटल में दिया तो मैंने इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद क्या सीन हुआ, जैसे मैं बाहर निकला तो भाई उस न्यूज़ वाले ने वो भीड़ में इंटरव्यू लेने लग गया, जिसमें पूरी क्लिप जिसने देखी होगी, जिसमें कह रहा हूँ कि नहीं, और पहले मैंने ऐसा बोला, उसके मैंने बोला ये मत करो अभी, और उसके बाद मैंने बोला जय माता दी। जिसके बाद वो पीछे से आवाज आ रही माइक का है, माइक का है, माइक का है। तो मैं देखो ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता ना। मेरे हिसाब से अब अपना वो वाला स्टैंडर्ड बचा कि मैं रोड पर खड़े होकर गुथूँ कि एल्विस सर तो रोड पर लड़ते हैं, ये भाई मेरे मतलब जी नहीं। और मुझे ऐसे लोग भी पसंद नहीं जो रोड पर खड़े होकर लड़ाई झगड़ा करते हैं कि मार पिटाई मचा दी, वो हल्ला करा। मैं उन चीज़ों से कटता हूँ, मैं निकल गया साइड में, क्योंकि मेरे को और भी चीज़ें देखनी है और मेरे को अपनी इमेज इस टाइप की नहीं बनानी कि एल्विस सर तो भाई रोड पर लड़ाई झगड़ा करते फिरते हैं। तो जो उसने वीडियो भी डाली रिपोर्टर ने कि उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई राघव और उसके साथ की माइक, उनको लगा कि माइक उनका किसी ने ले लिया, जो माइक था जिसमें इंटरव्यू चल रहा था, तो उस वजह से उन्होंने राघव के साथ उनकी बहसबाजी हो गई और सब लोग क्या प्रोपोगंडा चला एल्वी सर की, तो लड़ाई बजी। भाई एल्वी सर की लड़ाई क्यों बजेगी, हमारा यही काम है का लड़ाई करते। फिर मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, ऐसे फेक न्यूज़ के चक्करों मत पड़े, छत्तीस बिरादरी हमेशा हमारे दिल में बसती हैं, चाहे हमारे यादव भाई, जाट भाई, गुजर भाई, राजपूत भाई, जितने भी छत्तीस बिरादरी हमारी, पंडित तुम तो कह ही रहो मेरे भाई, सब दिल में बसते हो, तो जितने भी लड़वाने की कोशिश करते हैं ना ये हर चीज़ का, ये देखा करो कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं।